अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज शहजाद मकसूद। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम Honor 50 Pro 5G को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चाइनीज मार्केट में Honor 50 सीरीज लॉन्च हो चुकी है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग डिज़ाइन और बहुत ज़्यादा बेटर स्पेक्स में ये डिवाइस लॉन्च की गई है। और यहाँ पर आपको ये भी एक बात बताता चलूँ कि ये डिवाइस विद गूगल सर्विसेज लॉन्च की गई है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग पार्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से हुआ भी और Honor की जो कि गूगल के सामने कुछ रिलेशन से वो खराब चल रहे थे। सो फाइनली Honor ने तो अपनी डिवाइस में गूगल सर्विसेज को सपोर्ट कर दिया है। अब हुआएगा देखना है कि वो फ्यूचर में क्या करने वाला है। सो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स के साथ में एंड स्पेशली जो इसका डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रखा गया है। आज की वीडियो में हम Honor 50 Pro को इसकी स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, एट द एंड इसका प्राइस टैग भी देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यार जो दोस्त चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके कैमरा सेटअप को देखें तो बैक पर इस डिवाइस में ट्रिपल कैमरा सेटअप पैक किया गया है। मेन कैमरा इस डिवाइस में 108 मेगापिक्सल का रखा गया है, जबकि दूसरा कैमरा 10 मेगापिक्सल का इस डिवाइस में पैक किया गया है, और थर्ड कैमरा 12 मेगापिक्सल का लेंस इस डिवाइस में पैक किया गया है। और यहाँ पर साथ में आपको बैक पर डुअल एलईडी फ्लैश सेटअप भी प्रोवाइड किया गया है। अब अगर इसके फ्रंट पर आए तो फ्रंट पर भी आपको डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप इस डिवाइस में प्रोवाइड किया गया है, जिसमें जो 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा पैक किया गया है एंड 32 मेगापिक्सल का एक वाइड कैमरा इस डिवाइस में पैक किया गया है। और ये सेल्फी कैमरा सेटअप आपको एचडी रेजोल्यूशन के साथ में प्रोवाइड किया गया है। आगे बढ़े तो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का कोर की स्पीड इस डिवाइस में अवेलेबल है। और यहाँ पर सामने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 5G की चिप प्रोवाइड की गई है, जो कि 6 नैनोमीटर वाली है। इस चिप को डिस्कस करें तो दूसरे ब्रांड्स स्पेशली रियल में अपनी एक डिवाइस लॉन्च करने वाला है, जिसमें वो अपर मीडियम प्राइस टाइम में अभी तक क्वालकॉम की सबसे फ्लैगशिप चिप प्रोवाइड किया करेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 888 है। सो ये चिप दूसरे प्रोसेसर्स को कम्पीट तो नहीं कर सकती, क्योंकि अभी Honor ने रिसेंट ही गूगल सर्विसेज को सपोर्ट किया, तो इसीलिए शायद आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़े इस डिवाइस में। तो खैर आगे बढ़ें तो Adreno 642 का जी क्यू डिवाइस में पैक किया गया है। अब अगर इसके डिस्प्ले पर आएँ तो एलईडी टच स्क्रीन डिवाइस में पैक की गई है, जिसका साइज 6.72 इंचज है। तो ये डिस्प्ले 1236x2676 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर एक हाई रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है, जो कि 120Hz का है। इंटरनल स्टोरेज को डिस्कस करें तो सिंगल वेरिएंट में ये डिवाइस चाइनीज मार्केट में लॉन्च की गई है, जो कि 8GB ऑफ रैम 256GB ऑफ रोम वाला वेरिएंट है। और ये इंटरनल स्टोरेज UFS 2.2 पर बेस्ड है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इस डिवाइस में पैक किया गया है। बैटरी को डिस्कस करें तो 4000mAh बैटरी डिवाइस में पैक की गई है, जो कि एक अभी तक की लोएस्ट लेवल पर रखी गई है। लेकिन यहाँ पर आपको एक फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट प्रोवाइड की गई है, जो कि 100W की है। सो इन 25 मिनट आपकी जो डिवाइस की बैटरी है वो फुली चार्ज हो जाएगी। अब एडमिन इसकी प्राइस को देखें तो पाकिस्तानी मार्केट में तो अभी तक इसकी कोई भी चांसेस नहीं है कि ये डिवाइस कब लॉन्च की जाए। सो जो चाइनीज मार्केट में इसका प्राइस टैग है, अगर उसको पाकिस्तानी मार्केट में कन्वर्ट करें तो ये डिवाइस अराउंड अबाउट 100K की पाकिस्तानी मार्केट में बनती है। सो आई होप कि Honor अब ये सीरीज पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च करेगा और ग्लोबली भी हो सकता है कि सीरीज लॉन्च करे, क्योंकि फाइनली गूगल सर्विसेज Honor की डिवाइसेज में प्रोवाइड कर दी गई हैं। सो ये थे आज की वीडियो में, करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, दिस इज मी शहजाद मकसूद, अल्लाह हाफिज़।